सो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से यार स्वागत है आप सभी का पोकेमोन हार्ट गोल्ड में। और जैसे कि पिछली बार हम लोग भाई जोटो से कैंटो की ओर चले आए थे और अपने को पोकेमोन लीग की तरफ बढ़ते हुए जाना है आगे। पिछली बार हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ था भाई कि अपना ड्रैटिनी ड्रैगन एयर में इवॉल्व हो गया। इसे थोड़ा बात करते हैं हम लोग ज़रा। एयर रुक जाए, इधर जाए, इधर देख। तो ये क्या हुआ, ड्रैगन एयर फील्स रिफ्रेश्ड। तो चलो भाई, अच्छा फील कर रहा है अभी ये। तो अपने को आगे बढ़ते हुए आज जाना है रूट 26 पोकेमोन लीग रिसेप्शन गेट की ओर। तो भाई चलते हैं, देर की हुई यहाँ पे। और यहाँ पे कोई है ये ऑफिसर, ओनली ट्रेनर्स हु हैव प्रूवन देमसेल्फ में पास। तो जो लोग भाई अपने आप को पूर्व प्रूव कर चुके हैं वही यहाँ पे पास हो सकते हैं। ओ द 8 बैजेस ऑफ जोटो प्लीज गो राइट ऑन थ्रो। तो भाई जिसके पास 8 बैजेस वही यहाँ से आगे जा सकता है। तो हम लोग के पास 8 बैजेस, हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से आगे। और यहाँ पे भी कुछ रास्ता है क्या भाई, जरा देखते हैं। भाई इसने रोक दिया अपने को, दिस वे लीड्स टू एम्प्टी सिल्वर, यू विल सी स्कैरी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आउट देयर, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो अभी अपने को वहाँ नहीं जा सकते, भाई इसने रोक दिया। तो एम्प्टी सिल्वर उधर, इधर क्या, इधर भी रोक दिया इसने। होल्ड देयर, दिस वे लीड्स टू कैंटो बट दिस पाथ ब्लॉक्ड फॉर द आइटम बींग आई एम अफ्रेड। तो भाई यहाँ ये रास्ता कैंटो की ओर जाता है, मतलब जो भाई कैंटो का ट्रेनर होता होगा वो यहीं से आता होगा इधर। तो हम लोग को भाई सीधे जाना है इसका मतलब। चलते हैं भाई, कैंटो का रास्ता और एम्प्टी सिल्वर, विक्ट्री रोड भाई आ गई है। तो ओ विक्ट्री रोड, यहाँ पे पोकेमोन अपीयर हो सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ ना, रेपल लगा लेता हूँ, मेरे पास रेपल कम होगा, अभी एक ही रेपल बचा हुआ है। अपने पास सुपर रेपल 7 है, चलो सुपर रेपल यूज करता हूँ मैं फिलहाल के लिए। एंड पिछली वीडियो भाई थोड़ी अजीब हो गई, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा मैं। हम लोग यार पोकेमोन को आगे रखते हैं अपने किसी बड़े पोकेमोन को, जो कि हो-ओ को आगे रखते हैं भाई। और भाई हो-ओ की तरफ से काफ़ी लोग का भाई वो चल रहा है, बवाल चल रहा है भाई। काफ़ी लोग कह रहे भाई हो-ओ तूने क्यों रखा है, फायर टाइप तो हो तो फायर टाइप क्यों रखा है। भाई भाई ये फायर तो है, साथ में फ्लाइंग भी तो है भाई। मैंने अपना एक फ्लाइंग टाइप हटा भी तो दिया अपने नॉकडाउन को, इसलिए मैंने इसको रखा भाई, और कोई रीज़न नहीं था। अपने पास कोई लेजेंडरी मतलब पोकेमोन है भी नहीं। तुम लोग कहोगे तो भाई मैं हटा दूंगा इसको, ठीक है, नॉकटॉल को रख लूँगा, डोंट वरी। यार मैं तो यार भाई ऐसे, इसलिए मैं तुमसे तुम लोगों से पूछा था मैंने भाई जब इसको पकड़ा था कि मुझे इसको अपने टीम में रखना चाहिए कि नहीं। तो भाई सबने उस टाइम पे कहा यस यस रखो रखो। अब जब भाई रख लिया मैंने, तो भाई अगले वीडियो में तुम लोगों ने कहा कि क्यों रखा है क्यों रखा है। खैर यहाँ पर काफ़ी मस्त सीढ़ी बनी हुई है यहाँ से, और हम लोग को आज यहाँ से निकल लेंगे किसी तरीके से। एंड भाई पोके फैन एमटी को भाई मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, वो भाई बहुत स्पीड में निकला है भाई, दुगनी स्पीड में था अपने से। तो वो भाई जितने हम लोग 2 एपिसोड कंप्लीट करते हैं उतने भाई उसने 1 एपिसोड कंप्लीट करके दिखा दिया। तो अपने को इधर ही कहीं जाना होगा। एप्पल ख़त्म, नो सुपर एप्पल अपना ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम, मतलब 5 ही बचे हैं आपको भाई। और इधर रास्ता है क्या, तो पहले बॉल को खिसका था भाई, बॉर्डर खिंचा कर आराम से। यहाँ पे एक बॉल है, अगर इसमें कुछ खास ना हो तो भाई वहाँ पे आना फालतू हो जाएगा अपना, मैक्स रिवाइव। चलो भाई कुछ ना कुछ काम की चीज़ें मिल रही हैं, और वैसे भी पोकेमोन लीग में अपने को बहुत चीज़ें काम आएगी, वहाँ पे अपने को खरीदना ही पड़ेगा बहुत सी चीज़ें। मैंने अपने पोकेमोन को अभी ट्रेन भी नहीं किया, ट्रेन भी करना है। यहाँ पे सीढ़ी है, चढ़ते हैं ऊपर फिर। और उधर पीछे भी एक रास्ता, उधर मैं गया नहीं अभी तक। यहाँ पे एक बॉल है, वेल लग रहा है इधर उल्टा आएंगे तो हम लोग को काम पड़ेगा इसका। और आगे चलते हैं भाई। तो आज वीडियो में थोड़ी छोटी रखने की कोशिश करूँगा, देखते हैं भाई, क्योंकि भाई मुझे लीग की तैयारी करनी, मैंने अभी तक लीग की तैयारी नहीं की, तो डायरेक्ट मैं लीग में नहीं घुस सकता हूँ भाई, ठीक है। पोकेमोन लीग की तैयारी करनी ज़रूरी है मुझे पहले, तो पोकेमोन को ट्रेन करना पड़ेगा मुझे अपने, क्योंकि वहाँ के पोकेमोन थोड़े हाई लेवल के हो सकते हैं उन लोगों के। और काफ़ी आइटम भी मुझे ख़रीदने हैं जो कि हम लोग कभी भी ख़रीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेपल जल्दी लगाओ। सो इधर से कूदते हैं, कूदना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, नीचे ना चले जाएँ कहीं, देखते हैं भाई क्या होता है। ओ तेरी, और यहाँ पे भी एक बाउल्डर है, वहाँ पे एक बॉल भी दिख रही है अपने को, बॉल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जल्दी इसको खिसकाते हैं। चलो भाई साहब, एंड फुल रिस्टोर, एंड इधर से निकलते हैं हम जल्दी से। और अपने किस बाउल्डर से और खिसकाना है अभी, यस चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक और सीढ़ी दिख रही है अपने को, ये तो अच्छा अपने पास भाई, मैंने रेपल थोड़ा सा रखे हुए थे वरना दिक्कत हो जाती भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई पोकेमार्ट भी नहीं है दूर तक में। यहाँ पे एक गड्ढा है, मुझे नीचे नहीं करना, बच के निकलना पड़ेगा यहाँ से, बच के।
और यहाँ पे भी एक सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे एक बॉल है, इसको ले लेते हैं, अल्ट्रा बॉल। ओके पहले यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं जिस तरीके, इसमें कूदूँ कि इसमें कूदूँ कि आगे से, क्योंकि रास्ता बंद है यहाँ तो पूरे तरीके से। मैं इसमें कूदने की कोशिश करता हूँ भाई। यार रेपल भी ख़त्म हो रहा है, अगर भाई दिक्कत हो जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को यहाँ से निकलने में ही। और इधर कूदता हूँ, ये कहाँ आ गए भाई हम लोग, HP अप, चलो ठीक है, और मेडिसिन में चला गया ये। और यार यहाँ से ये सीढ़ी पे चढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से भाई। अगर हम लोग सही चल रहे हैं, सही 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 है, सही है भाई, बहुत सही है यार ये तो। मुझे लगा था बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे निकलने में, यहाँ पे भी कई रास्ते हैं भाई। यहाँ तो गड्ढा है, हम लोग गिर जाएंगे नीचे ही, किनारे से जाने की कोशिश करते हैं, बच गए। यहाँ पे एक बॉल, इसको लेने आया हूँ मैं, रेयर कैंडी। वाह यार यहाँ पे छुपा कर रखा है लोगों ने रेयर कैंडी। एंड यहाँ से कूद सकते हैं हम लोग, कूद सकते हैं, बहुत सही। और रॉक स्मैश का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेरे पास शायद अभी है नहीं, मेरे पास मुझे रॉक स्मैश अभी तक मिला नहीं भाई। मिला था मुझे यार, मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या हुआ भाई, ये बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है। होल्ड इट, आर यू गोइंग टू चैलेंज द पोकेमॉन लीग? हाँ बेटा, हम लोग तुझसे पहले चैलेंज करेंगे और जीत के आएंगे। विक्ट्री रोज इज एट इट्स एंड फॉर श्योर, बट डिड यू नोटिस यू डिडंट सी एनी रियल ट्रेनर्स ऑन द वे, डिड यू? हाँ भाई, कोई रियल ट्रेनर अपने को दिखा तो नहीं रास्ते में? मैन दे वेयर आल स्पाइनलेस, वेल द फैक्ट दैट यू हैव कम दिस फार मीन्स यू आर नॉट ऑन ऑफ देम, बट योर जर्नी एंड्स हेयर। ऐसा क्यों? बिकॉज राइट हेयर राइट नाउ आई विल क्रश यू। आइए फिर से अपने लड़ना चाहता है, रेडी वर्सेस रेडी। चलो भाई इसको सबक सिखाते हैं आज की वीडियो में। मुझे लगा था भाई विक्ट्री रोड से निकल लेंगे, बहुत छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन ये बीच में आ गया। इसके पास स्नेस सील है और हम लोग हो ओ का यूज करते हैं अपना यहाँ पर फायर ब्लास्ट, काम करना चाहिए ये। और क्या कमाल का मूव है भाई हो ओ का, देखो भाई एकदम से, और ये आराम से पेंट हो जाएगा। चलो भाई क्या इसके बाद एक तगड़ा पकवान है, फायर फैली, क्या नाम उसका भाई, मैं तो खुद ही भूल गया इतना बड़ा नाम उसका, फैलीगेटर ऐसा कुछ नाम है, हाँ फैलीगेटर। और फेरेलीगेटर इसका अगला पोकेमॉन है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, स्विच करते हैं, बुलाते हैं अपने हेराक्रॉस को भाई, क्योंकि और भी पोकेमॉन यहाँ पे टिक नहीं पाएगा अपना। हेराक्रॉस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना ब्रिक ब्रेक, और वो में भी काम करेगा बढ़िया से। और लेवल 40 का ये भी, इसने भी ट्रेन करा अच्छे से अपने पोकेमॉन को। तो भाई साहब लग रहा है अपने को इससे भी लड़ना पड़ सकता है लास्ट में। ओ बच गया, बच गया, बच गया यार, स्लैश, ओ बच गए हम लोग, बस लोग बच गए भाई। चलो एक और ब्रेक ब्रेक देते हैं, इसको ख़त्म करते हैं कहानी, और अब की फेंट हो जाएगा ये, मे भी फेंट हो जाए, फेंट हो जाए, फिर से थोड़ा सा बच गया यार। वाटरफॉल नो, अपने भी ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए वाटरफॉल तो, अभी देखते हैं। अरे 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 रुकिए रुकिए, अरे यार फेंट कर दिया, हेरा क्रॉस को ही फेंट कर दिया यार। कोई नहीं, अपने पास अभी है ड्रैगन एयर है यहाँ पे, मिस ड्रेवियस, ड्रैगन एयर का यूज करते हैं हम लोग। ओके वैसे भाई ड्रैगन एयर को मुझे ट्रेन भी करना है, लेवल 32 का भी ये है। एक भाई एक मूव यूज करता हूँ, मेरे ख्याल से पेंट हो जाएगा ये। हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ड्रैगन रेज, आइस फैंग नो, भाई साहब बच के बच के बच के बच के, नो नो नो, बच गए बच गए बच गए, ड्रैगन रेज बहुत ही, इसको पेंट कर दो भाई, क्योंकि यही इसका पहला पोकेमॉन था, बहुत खतरनाक है ये। और वो भी भाई इसने चुराया था बताओ प्रोफेसर इल्म से, अभी तक भाई पकड़ा नहीं गया ये बताओ। हम लोग तो भाई पता नहीं क्यों अपना कैरेक्टर के पास कोई वो नहीं है इसको पकड़वाया जाके तुरंत भाई, कि इसी ने चुराया है फैलीगेटर जो भी है पोकेमॉन। एक्वाटेल अपना पोकेमॉन सीख रहा है, इसको सिखा देते हैं हम लोग। एक मूव हटाना, मैं हटा देता हूँ थंडर वेव को फिलहाल के लिए, ठीक है। और इससे मूव से मुझे याद है भाई कि हम लोगों को ना एक नया मूव दिया था क्लियर ने, ड्रैगन पल्स नाम का शायद वो था मूव, तो अगला कॉल बैट है, तो ड्रैगन पल्स जो है ना उसको भाई मुझे सिखाना है अपने ड्रैगन एयर को, ड्रैगन पल्स। तो मैं जल्दी अगली बार सिखा दूंगा भाई, क्योंकि भाई वो तगड़ा मूव है और काम आएगा अपना आगे। और इसको भाई यूज करेंगे, गोल बैट है, देते हैं भाई इसको ब्लास्ट बर्न, ख़त्म हो जाएगा आराम से। ओ नो अटैक मिस, नहीं यार एयर कटर भाई तू अपने को काटेगा भाई। कभी कभी ये लोग ना कन्फ्यूजन यूज कर देते हैं भाई, तब दिक्कत हो जाती है। कन्फ्यूजन भाई यूज करने से पहले अगर इन पर हमला कर दो ना तो तुम लोग बच सकते हो, वरना कन्फ्यूजन हो गई तो भाई दिक्कत। चलो भाई ये भी फेंट हो गया,
इसका तगड़ा पकवान भाई वो फ्रेली गेटर था, उसको हम लोगों ने हरा दिया। फ्रेली गेटर ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। हॉन्टर को तो हम लोग हरा देंगे आराम से, डोंट वरी। हॉन्टर तो भाई क्या, चलो इसको तो हरा। अच्छा मेरे पास मिस ड्रेवस भी है, लेकिन उसका भी ओह शेडो बॉल, आते ही शेडो बॉल यूज कर लिया इसने। लेकिन हम लोग भी कोई हार मानने वाले थोड़ी ना है। बहुत सही ब्लास्ट वन, ये बहुत तगड़ा मूव है भाई, बहुत तगड़ा मूव है ब्लास्ट वन। और इसके सामने बहुत ही कम टिक पाते हैं कोई। हाँ टाइप फोजियन भाई ऐसे ही थोड़ी ना इतना आगे पहुँचा है। एंड गड्ढा भरा, तू भी आ जा भाई, टाइप फोजियन सबको झेल लेगा, खेले ही। लेवल 37 का अपना, लेवल 47 का भाई, मतलब ओ साई बीम, साई बीम से हम लोग बचने वाले, बच गए। मुझे लगा था शायद फेंट कर दे, लेकिन कर नहीं पाया ये। और बहुत सही यार, कडावरा भी गया। इसका लास्ट पकवान कौन सा भाई, इतने बहुत सारे पकवान पकड़ रखे हैं अपने पास। चलो भाई टाइफ्रोजन ट्रेन और लेवल 48, और इसका लास्ट है मैग्नेटॉन। तो भाई अपने पास हेरा क्रॉस जो है वो तो भाई अभी फेंट हो चुका पूरे तरीके से, तो मैग्नेटॉन को हम लोग इसी से यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। आई सी सीम इस जस्ट लक दैट भाई हटा दिया था, इन लोग बोलते हैं कि पड़ी ना जाए। ओ थंडर वेव, आते ही भाई इसने अपने को पैरालाइज करने के चक्कर में है, और पैरालाइज हो गया क्या, कर दिया पैरालाइज। कोई भाई नहीं, हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट बर्न अपना लास्ट मूव। स्पार्क काम करेगा क्या अपने पे, ज़्यादा काम नहीं करने वाला। ब्लास्ट बर्न से ख़त्म करते हैं भाई, इस पर ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन अपना हाई लेवल का तो काम करना चाहिए। कर गया काम यार, सुपर इफेक्टिव था ये तो। तो इसी के साथ हम लोगों ने हरा दिया रेडी को एक बार फिर से, और यार रेडी तो फिर से गया। इट आई कुडंट विन, आई गेव इट एवरीथिंग आई हैड, व्हाट यू पॉसेस एंड व्हाट आई लैक दैट ड्रैगन टेमर सेड टू मी। तो भाई ड्रैगन टेमर यानी लेंस की बात कर रहा है भाई, ड्रैगन टेमर नहीं लेंस नहीं है, ड्रैगन टेम लेंस ही है शायद यार, ड्रैगन टेमर क्लियर भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेंस की बात है, क्योंकि लेंस ने इसको एक बार हड़काया था अच्छे तरीके से कि तू अपने पोकेमॉन को ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ उनको लड़वाने के लिए यूज करता है। तो मे बी यार ये लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके भाई बोलती बंद हो गई, देखो नीचे कुछ नहीं लिख के आ रहा है। आई हैव नॉट गिवन अप ऑन बिकमिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेनर, तभी भाई कह रहा है मैंने हार नहीं मानी है महान ट्रेनर बनने के अपने सफर पर। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वाई आई कैन नॉट विन एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, भाई अभी भी ये जाके खोजेगा भाई कि क्यों ये हार गया, क्यों जीत नहीं पाया हमसे ये, तो भाई जाके पता कर क्यों जीत नहीं पाया तू। व्हेन आई डू आई विल चैलेंज यू, आई विल बीट यू डाउन विथ ऑल माई पावर, हाँ यू कीप एट इट अनटिल देन। चलो भाई ये तो चला गया, लेकिन भाई उल्टा रास्ते क्यों जा रहा है भाई, विक्टर रोड इधर, भाई साहब उधर कहाँ चले गए तुम, पोकेमॉन लीग इस तरफ है, कहाँ गया भाई वो, भाग गया। मुझे लगा था भाई लास्ट में इससे मुझे लड़ना पड़ सकता है, लेकिन भाई ये तो भाग गया उल्टा ही, तो मतलब अब क्या अपना राइवल अपने को नहीं मिलेगा लास्ट में। इंडिगो प्लैटियाओ हम लोग पहुँच गए भाई, हो ओ के साथ उड़ते हुए इंडिगो प्लैटियाओ की तरफ। बहुत मस्त भाई सीन लग रहा है यहाँ तो, यहाँ काश वो फोटोग्राफर होता था, एक फ़ोटो खिंचवा देता अच्छा समय यहाँ पे। एंड इंडिगो प्लैटियाओ द अल्टीमेट गोल फॉर ट्रेनर पोकेमॉन लीग एचक्यू। तो चलते भाई पोकेमॉन लीग की तरफ, थोड़ा हम लोग अंदर जाके थोड़ा सा देखेंगे। लेवल ख़त्म कोई बात नहीं, एक सेकंड यार वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे थे यार, क्या हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, एक मिनट चेक करता हूँ। हम लोग जा नहीं पा रहे हैं यहाँ से, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तो है खुला है, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे भाई उधर। यार ये नहीं सही है यार, हम लोग को जाने उधर जाना था, मुझे देखना था थोड़ा उधर के भी नज़ारा को। कोई नहीं भाई चलते हैं अंदर हम लोग फिलहाल के लिए, और आज मैं लीग में नहीं लड़ने वाला भाई, क्योंकि मुझे पकवान को भी थोड़ा सा ट्रेन करना है, और यहाँ पे नर्स जो है पकवान को हील करने के लिए। एंड ये बंदा कौन है, एट द पोकेमॉन लीग यू विल गेट टेस्टेड बाई द इलाइट फोर, यू हैव टू बीट देम ऑल, इफ़ यू लूज यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर। ओके तो भाई साहब हम लोग अगर एक भी इलाइट फोर से हार जाते हैं तो हमें फिर से पूरा शुरू करना पड़ेगा, इलाइट फोर को लड़ना पड़ेगा। वेलकम, व्हाट डू यू नीड, तो भाई ये लग रहा सामान बेचता है। चलो भाई अच्छा यहाँ से हम लोग खरीद लेंगे बहुत चीज़ें, लेकिन काफ़ी महंगे महंगे हैं। कोई नहीं यार हम लोग खरीदेंगे, और मैं खरीद के रखे रहूँगा पैसे ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो दादाजी कौन है, सम ट्रेनर सडनली फील डिसकरेज्ड एंड लीव, तो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेनर्स, लेकिन वो भाई अपने आप को करेज नहीं होता, उनमें साहस नहीं होता, तो वो हार मान के वापस चले जाते हैं। माई आबरा कैन टेक यू होम, तो इनका आबरा सबको घर भेज देता है लग रहा है, वही कह रहे हैं मुझे भेज देगा। बट ट्रेनर जस्ट फ्लाई होम लेटली
आई फील लेफ्ट आउट, आई एम श्योर माई आबरा फील द सेम वे। तो भाई इनको बहुत बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि लोग इनका यूज नहीं करते वार सिस्टम के तरीके इनके आबरा के साथ। आबरा क्योंकि भाई टेलीपोर्ट कर देता है हम लोगों ना इधर से उधर, तो ये कह रहे भाई हम टेलीपोर्ट करते हैं लोगों को, लेकिन भाई लोगों के पास पहले से ही एक मूव होता है फ्लाई, और उससे वो खुद ही उड़ के चले जाते हैं यहाँ से, तो इनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई इनको बहुत बुरा लगता है, इनको और इनके आबरा को। पहले इनके आबरा से थोड़ा बात ही कर लेते हैं हम लोग, इतना आगे आ ही गए तो। और भाई बहुत गुस्से में लग रहा है तो। और ये कौन है? वेलकम टू द पोकेमॉन वायरलेस क्लब यूनियन रूम, यू मे इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मेनी ट्रेनर्स। ओके, ये तो वाईफाई वाला काम है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वाईफाई वाला ही कुछ काम लग रहा है मुझे ये भी। पोकेमॉन कम्युनिकेशन क्लब, यस यार, ये सब भाई ये सब अभी बैटल करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा अपने को। और हम लोग थोड़ा आगे, यही मेरे ख्याल से लीक का रास्ता ये भाई बनता है। वंस यू इंटर दिस डोर यू विल बी फेसिंग वन ऑफ द इलाइट फोर, दे आर रियली टफ, यू कैन नॉट एग्जिट वंस यू एंटर, आर यू रेडी? अभी हम लोग रेडी नहीं है भाई, अभी नहीं रेडी, हम लोग कल जाएंगे। लायरा का फ़ोन आ रहा है, हेलो दिस इज लायरा, हाउ आर यू? यार हम लोग ठीक हैं। आई वंस कॉट ए विफ ऑफ मैरिज सेंट, इट स्मेल लाइक ए डस्ट मॉप, आई वॉज सो सरप्राइज, दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट बास मोर ऑफ्टन, वेल टॉक टू लेटर, ओके बाय बाय। भाई ये सब सेंट वेंट ढूंढते रहते हैं। तो भाई अपना रास्ता खुल गया, राइट फोर कर लिया इस अंकल जी ने, खोल दिया रास्ता यहाँ पे है ना। तो हम लोग कल यहाँ से जाएंगे भाई बढ़ते हुए। आज वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ भाई, ठीक है? तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और पोकेमॉन को मैं हील कर लेता हूँ यहाँ पे। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तुम लोग को आई होप वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग कल की वीडियो में जाएंगे इलाइट फोर से लड़ने, और मैं पोकेमॉन थोड़ा ट्रेन कर लूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई ट्रेनिंग में। ओके, गेम को करते हैं, वैसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।